हेलो दोस्तों, चांदनी लाइव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज धनतेरस है और आपको हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको ढेर सारी मेरी तरफ से। और हम जो है अभी जा रहे हैं धनतेरस की मार्केटिंग करने, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही है। और अभी मेरे घर में जो है सांझ ज्योत बत्ती जो धनतेरस की होती है पूजा, वो हो गई है। और सिर्फ जो है लड़ी जो है थोड़ा आधा सज गया है, लड़ी अभी सजानी है। थोड़ी बहुत लड़ी हम अभी बाहर भी लगाएंगे तो मेरा भाई जो है करेगा, बैठ के सजाएगा। देखिए बैठा हुआ है, सजाने के लिए ही बैठा है तो ये सजाएगा। आप देख सकते हैं मंदिर जो है मेरा पूरा सज गया है। देखिए बस इसको एक बार लगा के दिखाना राकेश, कितना सजा है तो आप देख लीजिए कि कितना सजा है। आधा सजा भी, आधा भी और सजाएंगे इसको अच्छे से। देखिए देखिए इस तरह से लड़ी जो है हमारा थोड़ा बहुत सज गया है और थोड़ा हम ये सजाएंगे भी और अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। और मेरे घर में अब सजावट जो है धीरे धीरे जो है शुरू हो गई है। तो अभी आ रहे हैं हम मार्केट से, तो फिर ये जब तक हम मार्केट से आएंगे तब तक ये लड़ी सजा देगा यहाँ पे। और पूजा देखिए, मंदिर की पूजा जो है मेरी सिस्टर ने कर ली थी। देखिए ज्योत बत्ती हो गई है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं ज्योत बत्ती हो गई है, पूजा हो गई है मेरे घर में मंदिर में। तो सांझ जो है हमने जला दी है, धनतेरस धनतेरस की पूजा कर ली है धनवंतरी महाराज की, यानी कि धनवंतरी भगवान की आपने, तो उनकी पूजा हमने कर ली। और अब हम जा रहे हैं धनतेरस की मार्केटिंग करने और पूजा का सामान और भी हमें लेके आना है दिवाली के लिए भी। तो अभी हम मार्केट निकलते हैं और ये देखिए मेरी सिस्टर भी तैयार है जाने के लिए, तो इसको भी लेकर मैं जा रही हूँ और ये बैठी है तैयार जाने के लिए। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग जो है पसंद आएगा। और मैं अभी जाती हूँ और आप भी मेरे साथ जो है मार्केट आइए। मैं यहीं जा रही हूँ, महिपालपुर के ही मार्केट में जा रही हूँ तो धनतेरस का सामान लेने के लिए। और वहाँ पे मैं पहुँच के और आपको दिखाऊंगी कि आज की मार्केटिंग वहाँ पे कैसी लगी है और क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे और मार्केट देखने में कैसा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ और वहीं पे विजिट भी करूँगी और आप लोगों को भी जो है विजिट कराऊंगी। और आप लोग जो है मेरे साथ मार्केट में आइए, मार्केट में ही मिलिए। मैं भी जा रही हूँ मार्केट में, तो आ जाइए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, हम लोग मार्केट में जो है एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हो मेरी बहन ने झाड़ू लिया है, झाड़ू मैंने खरीदा है धनतेरस के दिन। और अभी झाड़ू ही खरीदा है हमने, मार्केट में हम घुस चुके हैं। मार्केट में दिखा देती हूँ आपको कितना प्यारा सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, लुक बहुत बढ़िया है मार्केट का। तो मैं भी आपको हम लोग देखिए मार्केट में जो है आगे बढ़ चुके हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो हमारे पीछे जो है यहाँ पे मिठाई की दुकान थी, प्रभु दयाल मिठाई वाला था, और बहुत ही वहाँ पे भी भीड़ थी। और आगे मैं जो है आगे बढ़ी हूँ तो आगे देखिए मैं यहाँ पे दिए वगैरह खरीद रही हूँ, आप देख सकते हो। और ये 10 रुपये के 12 दिए दे रहा था, यानी कि 10 रुपये दर्जन दे रहा था। तो मैंने ढेर सारे दिए यहाँ पे ख़रीदे, करीबन 3-4 दर्जन मैंने दिए खरीदे थे और मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे ये दिए मिले थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने दिवाली की काफ़ी सारी जो है शॉपिंग की है यहीं से। धनतेरस की मार्केटिंग जो है बहुत अच्छी लगी हुई थी। जब मैं वहाँ पे गई, भीड़ तो थी लेकिन सामान भी जो है कुछ सामान सस्ता मिल रहा था और कुछ सामान बहुत ही महंगा भी मिल रहा था। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैंने जो है आगे मैं बढ़ी हूँ तो आगे की मार्केटिंग कैसी लगी हुई थी। लेकिन जब भी मैं मार्केट में आगे बढ़ी तो वहाँ पे भी जो है बहुत ही ज़्यादा रस था और बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान था। यहाँ पे भी ये जो बड़े बड़े दिए आप देख रहे हो, ये 40 रुपये 50 रुपये इस तरह के दिए रेट थे इसके अलग अलग प्राइस में। तो यहाँ से मार्केट जो है शुरू हो जाती है दिवाली की, धनतेरस की। तो आप देख सकते हो ये मालाएं, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं यहाँ पे लक्ष्मी माता की मिल रही थी और बहुत ही प्यारा सामान यहाँ पे मिल रहा था, पूजा पाठ का सारा सामान मिल रहा था आप देख सकते हो।
और ये दुकान भी जो है मुझे अच्छी लगी थी। ये मालाएं जो है अलग अलग प्राइस में मिल रही थी, अलग अलग सारे डेकोरेशन के सामान मिल रहे थे। सामने जो है बर्तन की दुकान थी, आप देख सकते हो। और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि ये मूर्तियों की जो है ये दुकान लगी हुई थी, तो यहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ मिल रही थी, आप देख सकते हो वीडियो में। सबके अलग अलग प्राइस थे, स्टार्टिंग जो है आपको 500, 550, 600 और 450, 250, 300, 350 की मूर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल थी। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मुझे इसमें से लगी थी, आप देख सकते हो मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने यहाँ सब्जी वाले की दुकान से मैंने कुछ सब्जी वगैरह भी ख़रीदा था यहाँ से। फिर इसके आगे मैं बढ़ी, यहाँ से जो है ये शुभ दीपावली ख़रीद रही थी और यहाँ पे भैया जो है शुभ दीपावली मेरे को दे रहे थे, देख सकते हैं ये मेरा ही शुभ दीपावली पैक कर रहे हैं। मैंने यहाँ से 30-30 रुपए का ये शुभ दीपावली ख़रीदा था और जो कि मुझे बहुत ही सस्ता लगा और देखने में भी लुक बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ से ये शुभ दीपावली ख़रीद लिया था। छोटे छोटे बच्चों के लिए बंदूक वगैरह भी मिल रहा था, काफ़ी सामान यहाँ पर मिल रहा था। मैं इसके आगे वाले मार्केट में गई तो ये देखिए दुकान कितनी प्यारी दुकान है। यहाँ पे सारा पूजा पाठ का सामान मिल रहा था, सब अलग अलग प्राइस था और बहुत ही सुंदर सामान यहाँ पे मिल रहा था, पूजा पाठ से लेके कॉस्मेटिक और सारी। ये शोरूम आप जो अंदर देख रहे हो इसके अंदर कॉस्मेटिक वगैरह हर तरह के कॉस्मेटिक के सामान मिल जाते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ का सारा सामान मिल रहा था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। मैं अधिकतर यहीं से शॉपिंग करती हूँ। मार्केट आपको दिखा रही हूँ, ये रंगपुरी की मार्केट है और देखिए मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ी हूँ तो आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थी लेकिन इसके प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई थे। मूर्ति जो है 1000 रुपये, 1200, 1400 रुपये, 1600 रुपये इस तरह से स्टार्टिंग थी। और आप ये जो शुभ दीपावली सामने देख रहे हो ये भैया मुझे 80 रुपये का दे रहे थे पर मुझे ख़रीदना नहीं था, मैं पहले ही खरीद चुकी थी, 30-30 रुपये का लाई थी। ये 80 रुपीज़ का दे रहे हैं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, तो मुझे काफ़ी महंगा लगा था तो इसको मैंने नहीं ख़रीदा था। मैंने यहाँ से लक्ष्मी के लिए जो लक्ष्मी का पाँव होता है वो मैंने ख़रीदे थे। और ये देखिए मूर्तियाँ 1100 रुपये से स्टार्टिंग थी यहाँ पर और हाई रेट था। थोड़ा सा इसकी आगे बढ़ी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बर्तनों की सेल लगी हुई थी जो 100-100 रुपये में मिल रहा था और सारे तरह के बर्तन यहाँ पे मिल रहे थे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सस्ते दामों पे ये सेल जो है 100-100 रुपये की लगी थी। बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, छोटे बर्तन से लेके बड़े बर्तन यहाँ पर अवेलेबल थे जो कि मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लगे। और मैंने यहाँ से जो है एक कढ़ाई ख़रीदी थी और एक बर्तन और लिया था मैंने यहाँ से। उसके आगे मैं बढ़ी थोड़ा सा आगे वाली बाज़ार में मार्केट में गई तो ये 100-100 रुपये के जो है ये पर्दे मिल रहे थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। हेलो दोस्तों, मैं जो है आ चुकी हूँ मार्केट से घर पे, धनतेरस की मार्केटिंग करने गई थी और मैं धनतेरस की मार्केटिंग करके मैं घर पे आ गई हूँ। जस्ट अभी अभी आई हूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मार्केट जो है बहुत ही सुंदर लगा हुआ था, सारे सामान जो है वहाँ पे अवेलेबल थे, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पे, लेकिन रेट जो है काफ़ी महंगा था, बहुत महंगा लग रहा था मुझे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा था। बाकी और लोगों का तो मैं नहीं जानती हूँ पर मेरे लिए महंगा था, तो बहुत ज़्यादा महंगा था लेकिन फिर भी सामान तो ख़रीदना ही पड़ेगा, त्यौहार है तो ख़रीदना पड़ा। मैं जो है कुछ सामान आज लेके आई हूँ और कुछ सामान मुझे कल जाना पड़ेगा छोटी दिवाली को लाने के लिए, क्योंकि कुछ सामान जो है मुझे नहीं मिला और वो शायद मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि जैसे फूल माला है, आम के पत्ते थे और मिठाई उठाई है, तो ये सारी चीज़ें मैं कल लेके आऊँगी क्योंकि आज लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आज लेके आऊँगी तो 2 दिन में फूल है, पत्ती है, ये सारी चीज़ें मुरझा जाती हैं, जैसे आम का पल्लो है तो ये सारी चीज़ें मुरझा जाती हैं, तो इस वजह से मैं कल ताज़ा ताज़ा जाऊँगी छोटी दिवाली को लेने के लिए।
तो कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग में यही था कि आज मैं धनतेरस की मार्केटिंग करने गई थी, सो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मैंने मार्केटिंग कर ली है। तो ले आई हूँ सामान, जो भी पूजा पाठ का है थोड़ा बहुत सामान था वो सब मैं लेके आई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। काफ़ी महंगाई तो खैर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सामान के अकॉर्डिंग महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जैसा सामान है वैसा दाम है। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि मेरे भाई को गिफ्ट मिला था, उसका दिवाली का गिफ्ट मिला था और किसी वहाँ के कस्टमर ने दिया था। तो वो गिफ्ट मैंने आपको बताया था कि मैं धनतेरस वाले दिन ही खोलूँगी, तो वो आज का दिन है और आज मैं उस गिफ्ट को जो है उसको ओपन करूँगी, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी आज। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अनबॉक्सिंग करके कि उसमें क्या क्या मिला है और क्या क्या उसके अंदर आया हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ मेरे भाई को उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, उसे अभी ओपनिंग करती हूँ और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप देखिए मेरी वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसे करना ना भूला करें। और मैं बहुत खुश हूँ, दिवाली है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और मेरे सारे घर की जो है धीरे धीरे डेकोरेशन भी हो रही है, कुछ आज डेकोरेशन किया था और कुछ हम कल करेंगे कुछ परसों करेंगे, इस तरह से हमें डेकोरेशन करना है। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूँगी, क्योंकि देखिए किराए का कमरा है किराए का रूम है तो हमारे बस में जितना हम उतना ही कर पाएंगे, तो जितना हमारी हिम्मत है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। तो थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन खुश हैं, ठीक है। तो मैं तो बस यही कहूँगी जैसे मैं खुश हूँ ऐसे आप सभी लोग खुश रहिए और दिवाली बहुत ही खुशी से मनाइए। बी हैप्पी और बी इंजॉयड, तो आप सभी लोग जो है इंजॉय कीजिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। धनतेरस आपको मुबारक हो, आज की धनतेरस जो है खुशी से आपका बीते और आपका दिन जो है मंगलमय हो, दिन आपका शुभ हो और आप सभी लोग खुशी से जो है इस त्यौहार को मनाइए। तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। तो मैं आपको इसकी ओपनिंग करके, गिफ्ट की ओपनिंग करके आपको दिखा देती हूँ, उसको खोल के दिखा देती हूँ उसके अंदर क्या क्या है। और देखिए ये जो है ये गिफ्ट है, ये मैंने आपको दिखाया था पहले, तो मैं इसकी ओपनिंग कर देती हूँ और मैं जा रही हूँ इसकी ओपनिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये देखिए, ये देखिए मैं इसकी ओपनिंग करती हूँ और ये इसको यहाँ से काटना होगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसे हम काटेंगे, ये देख सकते हैं आप इस तरह से ऐसे इसको काटना है और इस तरह से ये देखिए खुल गया। इसको मैंने खोल दिया है और ये गुलाब का फूल है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसको मैं निकाल के रख लूँगी और इसे मैं कहीं लगा दूँगी, इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो देख सकते हैं आप और मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ और मैं अपनी सिस्टर को ये कैमरा पकड़ाती हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी सिस्टर जो है इसे दिखाएगी। तो ये देखिए मेरी सिस्टर यहाँ पर, ये देखिए ये देखिए ये वाली है निधि, तो यही दिखाएगी देख सकते हैं आप। और ये तो आराम कर रही है, अभी थकी हारी आई है ना वहाँ से मार्केट से, तो इस वजह से थोड़ा आराम कर रही है, काफ़ी थक चुकी है। तो थोड़ा सा पकड़ के दिखा दो, मैं इसकी ओपनिंग कर देती हूँ, वहाँ से दिखाओ उधर से। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ये मच्छरदानी जो है मेरे काम आ जाएगा, किसी चीज़ को ढकने के काम आ जाएगा, तो इसे मैं रख दूंगी संभाल के ऐसे ही। ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए नूर गावा करके ये कोई जूस है, यानी कि अमरूद का जूस है ये। ये देखिए जो रेड अमरूद होता है ना, तो उसका जूस है, ये जूस मिला हुआ है, ये देखिए आप। तो इसे मैं अलग कर देती हूँ इस तरह से, इस तरह से। और ये आलू भुजिया है, देखिए ये था। और
ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये बटर बटर टॉफीज है, ये देखिए सफायर कंपनी का है, बटर टॉफीज है ये, आप देख सकते हो, ये देखिए ये टॉफी है, ये मिला हुआ है और इसे तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए ये किंडर जॉय करके ऐसे कुछ है, ये भी चॉकलेटी है, बच्चे खाते हैं, ये देखिए ये वाला, तो ये मिला हुआ है इसके अंदर। और ये जो है स्पोर्ट्स बार, ये राइट बाइट करके है, आलमंड आलमंड मोचा, ये देखिए ओट से बना हुआ है, ये देखिए ये ओट्स का बना हुआ है और इसमें ढेर सारे आप ये देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, नट्स वगैरह मिले हुए हैं इसमें। राइट बाइट है इसका नाम, देखिए तो ये मिला हुआ है। और ये देखिए ये चोको चिप्स है, चोको चिप्स कुकीज है, ये कुकीज है, चोको चिप्स है ये देखिए आप देख सकते हैं, चोको चिप्स है, कुकीज है ये मिला हुआ है इसमें, बिस्किट है ये देखिए, तो इसको भी अलग कर देते हैं। और ये जो हल्का फुल्का कोई हेल्दी नमकीन होता है, ये देखिए हेल्दी नमकीन है, ये चिवड़ा का जो बनता है ना, चिवड़ा वगैरह ये सब मिक्स करके बनता है, ये वही है चावल का, ये देखिए, तो ये मिला हुआ है। और ये तो निकल नहीं रहा है, इसको बाद में निकाल देंगे, आप देख लीजिए ये चिप्स है और ये नमकीन है, आप देख सकते हो, ये देखिए ये काफी, इसको निकालना पड़ेगा, फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए, ये नमकीन है और ये चिप्स है, तो ये गिफ्ट में जो है मिला हुआ है, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। तो मैं जो है आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, आई होप कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, मैं तो यही आशा करती हूँ। और कमेंट करके बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, फैमिलियर वीडियो है और जिस तरह से मुझे वीडियो आती है बनानी, जिस तरह से मुझे बोलना आता है मैं वैसे ही बोलती हूँ, और मुझसे जो भी गलती सही कुछ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं जो है नई नई क्रिएटर हूँ और मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो अभी 2 महीने हुए हैं, मुझे 3रा महीना लगा है चैनल को ओपनिंग किए हुए, चैनल मैंने जो बनाया चांदनी लाइफ ब्लॉग्स को, तो अभी 3रा महीना है, तो इतनी बड़ी कोई क्रिएटर तो मैं हूं नहीं, तो इस वजह से जो है जितना मुझे समझ में आता है उतना उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उस तरीके से मैं फैमिलियर ब्लॉग भी बनाती हूँ। मेरी रेसिपी भी आप देख लिया करो, मैं रेसिपी भी अलग से बना के डालती हूँ और मैं मार्केटिंग जैसे जाती हूँ, मार्केट वगैरह जाती हूँ तो वहाँ के भी ब्लॉग बना के मैं इसमें डाल देती हूँ वीडियो वगैरह, तो आप उस पर भी जो है जाके थोड़ा सा आप देख लिया करो उसको भी, और मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक कर दिया करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा धनतेरस वाला, तो मैं जो है अब आपसे विदा लेती हूँ और आप लोग को धनतेरस मुबारक हो, धनतेरस आप खुशी से मनाइए, धनवंतरि की पूजा करिए, भगवान आपके घर में जो है धन की वर्षा करे, सुख शांति आपको प्रदान हो और सुख शांति बनाए रखे भगवान आपके जीवन में, आपके लाइफ में और आपके परिवार में। तो मैं जो है आपसे अलविदा लेती हूँ और मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, कल छोटी दिवाली है तो कल मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तो तब तक के लिए मुझे नमस्कार, तब तक के लिए आप मुझे अलविदा कहिए और अब जो है मैं आपको टाटा बोलती हूँ, टाटा बाय, नमस्ते और जय हिंद, ओके बाय, थैंक यू।